हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाएंगे मुंबई स्ट्रीट स्टाइल मसाला टोस्ट सैंडविच, जो आपको मुंबई के हर गली के नुक्कड़ पे मिलेगा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बिल्कुल आज हम उसी स्टाइल में बनाएंगे जिस स्टाइल में मुंबई में मिलता है। तो देख सकते हैं आप इसका फिलिंग कितना टेम्पटिंग लग रहा है, और इसे मैंने हरी चटनी और लहसुन की चटनी के साथ सर्व किया है। तो इसके लिए पहले एक पैन में ऑयल डालेंगे, ऑयल गर्म होते से ही उसमें हींग डाल देंगे, और जैसे ही तेल थोड़ा गर्म होगा तो राई और जीरा भी डाल देंगे इसके अंदर, हाफ हाफ टीस्पून, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे। अब इन सबको हम थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे, और इसी के साथ थोड़ी हरी मिर्च, अदरक, लहसुन की पेस्ट बनाई थी मैंने, वो डाल दी है। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और इसको सॉटे करें जब तक लहसुन का रॉ स्मेल नहीं निकल जाता। फिर हम इसके अंदर दो छोटे अनियन फाइनली चॉप किए हुए डालेंगे, जिसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसमें थोड़ा क्रंचनेस मेंटेन रखना है। ये थोड़े ट्रांसपेरेंट हो जाए तब इसमें हल्दी डाल दें, और स्वाद अनुसार नमक डाल दें। अब इसी के अंदर हम चुटकी भर शक्कर डालेंगे और इसे हिलाएंगे। शक्कर डालने से इसका जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाएगा, तो ऑप्शनल है। अब यहाँ पे मैंने 4 से 5 आलू ले लिए हैं, जिसे बॉईल कर दिए थे और फिर मैश कर दिए हैं स्किन निकाल के, और हमें बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, हाथों से ही इसको मैश करना है। आप चाहें तो मैशर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसके अंदर थोड़ा गरम मसाला डाल देंगे, और स्पैटुला से जैसे जैसे हम सब कुछ डालेंगे मिक्स करते जाएंगे इसे। फ्रेंड्स, ये मसाला येलो बनता है, ये मसाला जो होता है वो रेड नहीं बनता है, पर आप चाहें तो इसके अंदर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया है, और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से फिर से। इसके अंदर खटाई जो है वो नींबू की पड़ती है, तो यहाँ पे आधा नींबू का जूस जो है वो डाल देंगे, और टेस्ट जो है इसका तीखा पन वगैरह वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं कम ज़्यादा डाल के। इसी के साथ फाइनली चॉप किया हुआ धनिया डाल देंगे, और इसे मिक्स कर देंगे, और इसे पूरी तरीके से ठंडा करना है। और अब हम सैंडविच बनाएंगे जब ये ठंडा हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने ब्राउन ब्रेड ले ली, आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब स्लाइसेस पे हम बटर लगा देंगे, एक पर हम फिलिंग करेंगे और जो दूसरी ब्रेड है उसे हम कवर कर देंगे उस फिलिंग से। तो इस तरीके से आप सबके ऊपर बटर लगा दें, और फिर हरी चटनी लगा दें। अब यहाँ पे हरी चटनी, बटर, सब कुछ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम लगा सकते हैं। मेरे यहाँ हरी चटनी जो है वो कम तीखी खाते हैं, इसके लिए मैं थोड़ी कम लगाती हूँ। अब यहाँ पे हम लहसुन की चटनी भी लगा देंगे, तो लहसुन की चटनी का जो वीडियो है उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये चटनी बहुत ही टेम्पटिंग बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो पोटैटो का फिलिंग था वो ठंडा हो गया है, तो इसे हम इस तरीके से 2 स्लाइस के ऊपर फैला देंगे। पोटैटो का फिलिंग जो है वो आप ज़्यादा कम फिर से अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सैंडविच बनता है ये पोटैटो की फिलिंग के साथ, वेजेस के साथ बनता है। अब मैंने आलू के मसाले के ऊपर टमाटो की स्लाइसेस अरेंज कर दी है, आप इसमें ककड़ी की स्लाइसेस भी ज़रूर डालें, ककड़ी की स्लाइसेस भी पड़ती हैं। मेरे यहाँ ककड़ी नहीं खाते हैं, इसके लिए मैं नहीं डालती हूँ। यहाँ बॉयल किया हुआ बीटरूट का स्लाइस और अनियन के स्लाइस भी मैंने रख दिए, एक एक कैप्सिकम का स्लाइस डाला है, और थोड़ा सा इसके ऊपर ही चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया हमने। और अब हम इसे सेकेंड स्लाइस से इस तरीके से कवर कर देंगे। अब ये टोस्टर है जो टोस्ट सैंडविच वालों के पास होता है, तो इसी टोस्टर में ये टोस्ट सैंडविच बनता है। तो इसके लिए आप ऐसा जो टोस्टर होता है उसको बटर से ग्रीस कर दें दोनों तरफ। पहली बार जब आप बटर लगाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लगाएं, ताकि जो ब्रेड है वो चिपके नहीं नीचे, और इस तरीके से ब्रेड को उसके ऊपर अरेंज कर दें, और ब्रेड के ऊपर भी आप थोड़ा सा बटर लगा दें दोनों तरफ। और ये सैंडविच जो है, अगर आपके पास ऐसा टोस्टर नहीं है तो आप इसे ग्रिल में भी बना सकते हैं, अगर आपके पास ग्रिल मशीन है
तो आप उसके अंदर भी ये सैंडविच बना सकते हैं, उसमें भी ये बहुत टेस्टी लगता है। अब यहाँ पे हम स्लो आंच के ऊपर इस तरीके से इस सैंडविच को सेक लेंगे। फास्ट आंच नहीं रखें, स्लो आंच ही रखें, जिससे कि सैंडविच जो ब्रेड है वो जलेगी नहीं सैंडविच की, और ये सुनहरा होगा। अब साइड से अलट पलट कर आपको इस तरीके से सेकना है, और बीच में एक बार आप चेक कर लें, सुनहरा जब हो जाए तो आप इसे निकाल दें। देखिए एक तरफ हो गया, एक तरफ बाकी है। तो इस तरीके से ये सैंडविच बना के जब दोनों तरफ सुनहरा हो जाए तो इसे नीचे उतार दें, और टोस्टर में से निकाल के आप अपने मनचाहे आकार में इसे कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ 4 पीसेस में किया है, आप चाहें तो 2 पीसेस में भी इसको कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने हरी चटनी और लहसुन की चटनी भी सर्व की है। आप चाहें तो इसे नाइफ या पिज़्ज़ा कटर से भी कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखिए ये सैंडविच कितना टेस्टी लग रहा है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी लहसुन की चटनी, थोड़ा बटर और थोड़ी हरी चटनी और थोड़ी सी नायलॉन सेव जो है वो स्प्रिंकल करेंगे, तो इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो आप ज़रूर एंजॉय कीजिए, ये सैंडविच ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक दें आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के पास ही जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत ही मिले। मिलती हूँ ऐसी ही कुछ हेल्दी न्यू रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।